तो देख सकते हैं काफ छोड़ दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। और ठीक है, मिनी के भी छोड़ दो, दो तीन जो हैं जितने आपके पास बंदे हैं वो मिल्किंग करवा दो, मिल्किंग करवाओ ना भाई जी। तो ये देख सकते हैं जो पशुधन हिम्मत सर के फार्म से अन्य भारत के अन्य राज्यों में भी एक अच्छी रुचि देखने को मिली है अच्छे पशुधन के प्रति, तो वहाँ पर जो मुहैया करवा रहे हैं उनकी एक बार एक सिर्फ रेफरेंस के तौर पर एक वीडियो यहाँ पर कवर करते हुए कि क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता इनकी है। तो ये देख सकते हैं फादर साहब काफ बांधते हुए, और ये देखें एक फ्रेम में कवर करेंगे, कोई भी आपको वीडियो के दौरान कट या दो पार्ट्स को ज्वाइन करने का ऐसा प्रयास नहीं देखने को मिलेगा, एक वीडियो होगी, एक ही पार्ट में सुस्पष्ट होगी। ये देखें फादर साहब ने बिल्कुल खाली बाल्टी दिखा दी है अडर की, ठीक है शुरू करें। ये देखें आप, फादर साहब पिछले थनों की धार और दिखा दें, ये देखें आप, कोई छर्रा कोई पपैया ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है निकालो निकालो, ठीक है। पवन सर हैं हिम्मत सर के ही छोटे भाई, और ये देखें हिम्मत सर पीछे, ठीक है खाली बाल्टी बहुत शानदार, ठीक है और पीछे पंडित जी हैं जो कि केयर टेकिंग स्टाफ हैं इनके, और उसके पीछे फादर साहब हैं मीनी जो कैंडी जो भैंस है, ठीक है खाली बाल्टी उल्टी करके दिखाओ, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, पंडित जी की तीसरे नंबर पर जो भैंस है खाली बाल्टी करके दिखा दी है, कांटा मंगवा लिया गया है, कांटा मंगवा लिया, हाँ जी ठीक है। हाँ फादर साहब खाली बाल्टी उल्टा कर दो बिल्कुल, हाँ बहुत शानदार, ठीक है निकालें, ये लो चार ही भैंसों को यहाँ पर मेन फोकस करके फ्रेम में रखते हुए,
हाँ जी ठीक है, तो बताया है कि आधा लीटर दूध हिम्मत सर ने बताया है कि बच्चे के लिए छोड़ा है। मैं फटाफट पास जा करके और एक बार ठंड जरूर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये दूध ये देखिए, ठीक है। तो नंबर दो पर जो भैंस थी उसकी मिल्किंग हो चुकी है, बाल्टी उसी के पीछे। नंबर एक पर पवन सर और हिम्मत सर ने आपस में बदली की है, ठीक है। बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, कोई बात नहीं। हाँ आधा आधा एक एक लीटर जरूर छोड़ दें, पूरा कमर्शियल ना बने। बहुत ज़्यादा व्यावसायिक दृष्टि से अगर हम पशुधन को देखते हैं और नैतिकता को अगर हम निकाल लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं, पशुधन जो है वो परेशान होता है, उनकी आत्मा दुख पाती है। तो ऐसा ना करें, व्यवसाय अपनी जगह है, आप अच्छा व्यापार करें, सब कुछ करें, लेकिन एक नैतिकता से एक मानवता का भाव इन जीवों के प्रति ज़रूर रखें, क्योंकि जब ये हमारा, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं तो इनका भी लालन पोषण की जिम्मेवारी हमारी ही है। तो ये देखें पंडित जी, छोड़ देना थोड़ा सा, सारा मत निकालना। नंबर तीन, और फादर साहब ने बाल्टी उठा लिया, ठीक है उसी के पीछे रख दो फादर साहब, बस ठीक है, ले आओ ले आओ। ये देखें नंबर चार की बाल्टी, इसी के बीच में लगाओ, फादर साहब आप पीछे ले जाओ, हाँ इसको बीच, हाँ ठीक है लग रख दो। ये देखें, ये मिल्किंग पूरी होते हुए नंबर एक पर जो भैंस थी ये, और नंबर दो पर ये वाली, नंबर तीन पर इसकी मिल्किंग की, और नंबर चार पर दूध निकालने वालों की कमी है। अगर पूरे होते तो सभी भैंसों का दूध दिखाता, सभी भैंसों का दूध दिखाते, ठीक है। 11 भैंस जा रही है, ये नहीं कि 8-7 हज़ार, बाकी जो भैंस है वो हांसी अपनी डेयरी पे, अपने हांसी फार्म पे, हांसी फार्म पर हैं, ठीक है। इसको फेस मेरी तरफ करें, कांटे का 11 भैंस जाएंगे, 10 हैदराबाद जाएंगे, नीचे बैठ जाएं, आप नीचे बैठे उधर उस तरफ कांटे की उस तरफ, ये नीचे बैठ जाएं। हाँ आप बताएं जो जो जानकारी आपको देनी है, ठीक है। 10 भैंस तो हैदराबाद जा रही है, हाँ जी, और एक भैंस मलकापुर जिसका ये सेक्टर नंबर पे बंदी, बहुत बढ़िया। बाकी जो भैंसे हैं वो भैंसे हांसी फार्म पे, जगह नहीं है बांधने की, इसीलिए वहाँ पे वो वहाँ पर हैं, हांसी फार्म पर हिम्मत सर के जो बड़े भाई हैं वो रहते हैं, ठीक है। ये देखें जीरो काट लिया गया है, ठीक है, वेट जीरो जीरो, एक सेकेंड धीरे धीरे दिखाएं, हाँ ये खाली बाल्टी, ठीक है डालें। ये देखें तकरीबन 7 किलो 730, तकरीबन नहीं सटीक 7 किलो 330 ग्राम दूध, ठीक है ठीक है। और इन भैंसों का हैदराबाद वाले को भी और मलकापुर वाले को भी तीन तीन चार चार बार वीडियो कॉलिंग पे दूध भी दिखाया गया, ये नहीं कि वे वैसे भी, ये देख सकते हैं बाल्टी रखी है तो कांटा, एक सेकेंड दोबारा कांटा काट लें, कुछ दूध लगा रह जाता है। नंबर दो पर जो भैंस थी, काटा काटें और छोड़ दें, ये देखें जीरो वेट कर लिया गया, ठीक है डालें। ये देखें 5 किलो 600 ग्राम दूध, 610 ग्राम दूध, 5 kg 610, ठीक है। कितने दिन की ब्याई हुई है आज, ये सिर्फ 5 दिन, ये वाली जो भैंस है 5 दिन की ब्याई हुई है। किसी भी बच्चे का अगर आप दांत दिखा दूंगा मुंह पाड़ के, हाँ दांत दिखा दूंगा, ठीक है, ये दांतों से पता चल जाएगा कि बच्चा कितना कितने दिन का है। एक सेकंड काटा काटे, 10 ग्राम दूध लगा रह गया, जीरो ठीक है। ये देखें 4 किलो 980 ग्राम दूध, तकरीबन 5 किलो, ये उस वाली भैंस का है, उस वाली का, माथे फूल वाली का, माथे फूल वाली का, ठीक है। माथे में सफेद बाल हैं, क्या कीमत पर आपने उसको बताया? 85,000 रुपीज, 5 किलो दूध। कितने दिन की ब्याई हुई है? ये ब्याई होगी 5-6 दिन, 5-6 दिन की, तो तकरीबन बिल्कुल आपको दिखाई, ये नहीं कि एक सेकंड कटा, हाँ ठीक है कटा काट, जीरो डाल दें भाई, बहुत बढ़िया। 5 किलो 860 ग्राम दूध है,
कैंडी भैंस का, जिसके एक सींग नीचे की ओर है एक उसकी, तो वो कितने दिन की ब्याई हुई है? कोसी भैंस भी एक सप्ताह प्लस नहीं है। नहीं है, तो तकरीबन 5 किलो 860 ग्राम दूध, तो तकरीबन 10, 10.5, 11, 12 हाँ। के आसपास इसका तैयार है। ये कितने में उपलब्ध कराई थी? ये 93 की, 93,000 रुपीस की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई और सूचना आपके मन में है जो आप बताना चाहते हैं? सूचना तो ये है जीतू भाई, जो एक बार अपने से भैंस लेके गया ना, भगवान की कृपा से दोबारा भैंस की जरूरत है तो अपने से ही लेगा, अपने से ही लेगा। अभी पिछले महीने भी हीरा भाई को 2 लोट भेजे 10-10 भैंस के, ठीक है, जबलपुर वाले, जबलपुर वाले। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो संपर्क सूत्र बताए, कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो? संपर्क से 97,284। और ये देख सकते हैं सुबह के समय दूध लेने के लिए जो पहुंचे हैं। और फादर साहब कहाँ गए? अगली का निकालोगे दूध अब आप? अच्छा, अगली का निकालो, बस ठीक है। ये नहीं कह दिया कुछ और मिला कुछ। हाँ। ये देखो बिल्कुल लाल है, बिल्कुल दांत। भैंसों के आपको दांत जानने आते हैं, लेकिन ये देखें जो कच्चा बच्चा होगा उसके मसूड़े जो हैं, मसूड़ों के अंदर दांत होंगे, दांत भी सिर्फ दो निकल रहे हैं, दांत भी दो निकले हुए। ये नहीं कि औरों की, बड़ा होने के बाद उसको भी बोल दिया कि पूरे दांत निकल जाते हैं। ठीक है ठीक है। अगर बच्चे के कितने दिन बाद पूरे दांत हो जाते हैं इस तरह के छोटे बच्चे के? 15 दिन बाद, 16 दिन बाद पूरे दांत, पूरे दांत। वैसे तो पूरे एक महीने में होते, लेकिन 15-16 दिन के बच्चे के 6 दांत 8 दांत इस तरह दिखने लगे, 6 दांत। ठीक, तो काफी अच्छी जानकारी। गांव सीसर से हिम्मत सर के फार्म पर अच्छा मुर्रा का पशुधन देखने को मिला, काफी अच्छा, काफी अच्छा। और इस भैंस का भी अगर देखना चाहते हो तो 60,000 वाली भैंस का भी एक बार दूध दिखवा दूंगा। चलो।